वेलकम, स्वागत है आप सभी का। आज अपने लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का मैथमेटिक्स, एलसीएम कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 1 या 2 मार्क्स का आपको आएगा। क्लियर, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एलसीएम लॉगेस्ट कॉमन मल्टीपल, लॉसो लघुत्तम समापवर्ती। देखिए, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ यानी कि रामबाण बहुत अच्छा चीज़ बताने वाला हूँ। आप क्या करो, स्टारमा दे के दोनों स्टारमा को एकदम हाईलाइट बना के अपने नोट्स में लिख लेना, क्योंकि ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना कि कहने लायक नहीं। इससे आपको लघुत्तम और महत्तम दैट मीन्स एलसीएम और एचसीएफ का झंझटे खत्म हो जाएगा। जिंदगी में आपको कभी दिक्कत नहीं होगा, खासकर ये सब सवाल होगा। ठीक है, जो फंडामेंटल टाइप का होता है ना, बेसिक टाइप का, वो आपको कभी दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एलसीएम का पहले ट्रिक मैं बता देता हूँ, गौर से सुनिए। इसका ट्रिक है कि जो मिलेगा उसे लिखेंगे और जो नहीं मिलेगा, उसे भी लिखेंगे। ठीक है, जो मिलेगा उसे लिखेंगे और जो नहीं मिलेगा उसे भी लिखेंगे। एग्जाम्पल से समझ में आएगा, आई नो। ठीक है, तो आप थोड़ा पेशेंस रखिए, मैं एग्जाम्पल भी देता हूँ। अब एचसीएफ यानी कि महत्तम समापवर्तक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब इसका ठीक उल्टा होगा, यानी कि जो मिलेगा उसे ही लिखेंगे, उसे ही लिखेंगे और जो नहीं मिलेगा उसे नहीं लिखेंगे। अब इसको अदर वे में भी बोल सकते हो, जो मिलेगा उसे लिखेंगे अथवा नहीं, जो मिलेगा उसे ही लिखेंगे अथवा नहीं। तो अब यहाँ पे देखिए, अब ये दोनों चीज़ को आपको एग्जांपल से क्या कीजिए, सेटिंग कीजिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अभी बताता हूँ। मान लीजिए कुछ भी 2 डिजिट ले सकते हो, ABCD का कुछ भी लेटर ले सकते हो। मान लीजिए मैंने लिखा 4 और 9। ठीक है, 4 और 9 लिखा, फिर एक ले लेता हूँ मैं, क्या ले लेता हूँ, मतलब कुछ हो, मैं 12 ले लेता हूँ, कुछ भी आप ले सकते हो, वाट एवर। देखो, तो 4 का सबसे पहले कॉमन फैक्टर करो, ये 9 का करो, 3 3 जाने। ठीक है, फिर 12 का करो, तो 2 2 9 4 3 12, बचपन से पढ़ते आ रहे, नॉर्मल है। तो इसका अगर बोलेगा एलसीएम निकालने के लिए, ठीक है, यहाँ पे एलसीएम, अब देखो जो मिलेगा उसे लिखेंगे। ठीक है, क्या मिल रहा है, क्या मिल रहा है इसमें, ये नहीं कुछ मिल रहा है, नहीं कुछ मिल रहा है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं मिलेगा नहीं लिखेंगे। और फिर आगे क्या है, जो नहीं मिलेगा उसे भी लिखेंगे। तो जो नहीं मिल रहा है तो क्या कर, कुछ और ही मिल रहा है, तो ये सबको एक जगह उतार देंगे। आप गुना कर देंगे आंसर। ठीक है, एक और एग्जांपल, मैंने 10 लिखा, यहाँ पे 10 लिखा, फिर मैंने मान लीजिए 8 लिखा, कुछ भी लिख सकते हो आप। 10 को कैसे लिख सकते हैं, 2 गुने 5 10, 8 को 2 2 9 4 2 9 8। तो लघुत्तम क्या करेंगे, एलसीएम कैसे होगा, तो क्या है रूल, जो मिलेगा उसे लिखेंगे, था ना, जो मिलेगा उसे लिखेंगे। ठीक है, तो क्या मिला, 2 मिला 2 मिला, तो 2। ठीक है, गुने, और नहीं कुछ मिल रहा है तो उसे भी उतार देंगे, 5 भी लिख देंगे, नहीं नहीं मिला है, जो नहीं मिलेगा उसको लिख देंगे। फिर 2 5 10 2 9 20 2 9 40, जो भी होगा गुना करके 40 होता है, 40 लिख देंगे, आंसर हो गया ही। फिर उसको इस हिसाब से भी करोगे तो वो 40 ही आएगा। 5 10 6 8, ठीक है, 15 10 6 40 आ गया ना। तो इस हिसाब से आप कुछ भी ETC ETC, यहाँ पे ETC कुछ भी आप सेट कर सकते हो। ठीक है, और अब इसी प्रकार एग्जैक्टली आप SCF भी कर सकते हो। SCF आपको मान लीजिए SCF निकालना है, कुछ भी मान सकते हो, 15 मैंने मान लिया, फिर ये मान लिया। ठीक है, इस हिसाब से अब इसका SCF करोगे तो कैसे करोगे, 15 का कैसे लिख सकते हो, 3 गुने 5,
लिख सकते हो, 21 का कैसे लिख सकते हो, 3 गुणों 7। और क्या था ऐसे आपका, क्या था रूल, जो मिलेगा उसे ही लिखेंगे। तो क्या मिल रहा है, 3 और 3 मिल रहा है तो 3 लिखेंगे, जो नहीं मिलेगा उसे नहीं लिखेंगे। तो 5 7 नहीं मिल रहा है तो नहीं लिखेंगे आंसर। इसी में बोल देगा ऐसे हम निकालने के लिए, तो दोनों 3 3 मिल जाते हैं तो लिखोगे करेंगे, ये दोनों भी यहाँ पर डाल देंगे। ठीक है, 3 5 15 7 105 आंसर इस हिसाब से। अब देखो ऐसे करके भी ऐसे आप करो तो वही आएगा, 3 ही आएगा, 3 आया ना, 3 आएगा 21। तो 15 11 15 11 में से 5 तो कितना हो जाएगा, 6 ये कर गया, फिर ऐसे करके ये 15, फिर 6 गुना 12 ठीक है, फिर 5 और 7 गया तो 3 कट गया, फिर देखिए 6 देखिए आ गया कि नहीं आ गया, आया ना, तो ऐसे अब कितना आ गया, 3 आया। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात देख लो, यहाँ पे देख लो एलसीएम, जो मिलेगा उसे ही लिखना है, जो नहीं मिलेगा उसको नहीं लिखना है। एलसीएम में जो मिलेगा, मैंने गलती बोल दिया सॉरी, जो मिलेगा उसे लिखेंगे और जो नहीं मिलेगा उसे भी लिखेंगे, यानी कि सब कुछ लिखेगा, जो मिलेगा उसे भी लिख देना, जो नहीं मिलेगा उसे भी लिख देना। ठीक है, जो मिलेगा उसे भी लिख देना और जो नहीं मिलेगा उसे भी लिख देना। ठीक है, इसमें जो मिलेगा उसे ही लिखना है, जो नहीं मिलेगा उसको नहीं लिखना है। ठीक है, हो गया खत्म। अब आपको मजा आएगा बनाने में क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे यहाँ पे, कि ये था, अब देखो मैं यही पे इसी वाला कॉपी में कर देता हूँ, उसे भी बनाना ही है इनको। ठीक है, ये ऐसे करके अब यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करो, एलसीएम है तो आप तो समझ गए ये दोनों में जो मिलेगा उसे भी लिखेंगे, जो नहीं मिलेगा उसे भी लिखेंगे। तो आप यहाँ पे उतार दो इसको, इसको तोड़ दो, 8 है वो, 8 का 2 4 8 गुना है, कुछ है तो गुना है ना, फिर देखो सब में क्या मिल रहा है, कॉमन फैक्टर तो आपको आता निकाला हुआ, कॉमन फैक्टर यानी क्या, सी एफ देखिए, एक्स का पावर 3 3 बार लिख दो, 2 2 बार लिख दो, ये तो अकेला आए थे इसको तो ऐसे लिखो, बात बराबर हुआ। तो कॉमन फैक्टर क्या होता है, तो सब में मिल जाए, वही एस सी एफ, वही एस सी एफ, एस एफ क्या होता है, जो मिलता है उसे ही लिखते हैं। तो क्या मिला, एक्स मिला, और तो कुछ नहीं मिला इसलिए एक्स लिखे, यानी कि तीनों से आप क्या खींच सकते हो, एक्स से तो एक्स निकाल भी करोगे, इसे भी एक्स निकाल सकते हो, तो तीनों में क्या कॉमन, एक्स है, तो इसलिए यहाँ पे क्या दिए, एक्स दिए। फिर यहाँ पे इसको यहाँ पे ऐसे करके ये उतारेंगे, क्योंकि इसको ऊपर रखेंगे, इसको नीचे रखेंगे, दिया नहीं आएगा तब ना, एक्स को एक्स का स्क्वायर से करेंगे तो यहाँ पे 3 आएगा, फिर यहाँ पे माइनस एक्स हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसको मैं और अच्छा से क्लियर करता हूँ, देखो यहाँ पे ये था, तो आपको जो इस हिसाब से जो था, ठीक है, तो इस सब में क्या मिला, एक्स मिला, फिर यहाँ पे कोष्ट में, और यहाँ पे क्या देंगे किया जाएगा, तो कोई नहीं एक्स स्क्वायर देंगे, क्यों, देखिए इसको ऊपर रखेंगे और इसको क्या रखेंगे, नीचे रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 3 है, तो 3 में से गया तो 2 हो गया, तो माना एक्स का पावर 2, माइनस इसको ऊपर रखेंगे उसको नीचे रखेंगे, ये इसको ऊपर रखेंगे उसको नीचे रखेंगे, तो ये आ गया। ये कुछ ऐसा है, देखो 20 है, यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे क्या देंगे कि 20 आ जाएगा, नहीं पता, तो 20 को क्या रखेंगे, ऊपर 5 को रखेंगे, नीचे करके करके 4, अब डिवाइड भी कर सकते हो 5 में से करके 20 से 4 आया, 4 देखो तब ना, चेक करो देखो दोनों को गुना किए तो ये आया, ठीक वैसा ही एक्स का पावर 3 है, एक्स इसको ऊपर इसको नीचे आते होती आएगा, इसको ऊपर इसको नीचे आते होती आएगा, इसको ऊपर इसको नीचे आते होती आएगा, तो इसको चेक करो, इसको इससे गुना करते हुए, इसको इससे गुना करते हुए, इसको इससे गुना करते हुए, प्लस 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 इसको इससे गुना करते हुए, वो ना 2 2 और 1 3, प्लस माइनस माइनस इसको इससे गुना करते हुए, प्लस 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 इसको इससे गुना करते हुए, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको ऐसे करके उतार दिया। क्लियर, अभी हम 28 हैं तो 28 दे दो, ठीक है, और यहाँ पे इसको ऐसे करके उतार दो बराबर, तो 28 है तो 28 को कैसे लिख सकते हो आप, 28 है तो 28 को कैसे लिख सकते हो आप, ऐसे कॉमन फैक्टर निकालेंगे ऐसे, ठीक है, तो यहाँ पर लिख दो 2 2 9 4 और 7 28। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे थोड़ा सा कैच है, कैच क्या है, देखो ये है ना एच पर, अब देखो ये सब कुछ यहाँ पर भी कर सकते हो, तो यहाँ पर करोगे तो थोड़ा लंबा चला जाएगा, 1 2 नंबर का क्वेश्चन आपको पूछने वाला है, ठीक है, एग्जाम में। अब आप कॉपी में करो जितना हो सके, शॉर्ट पर मार दो, 5 नंबर तो आपको देगा नहीं ऐसा क्वेश्चन में, तो ये है, ठीक है। तो आप देखो इसके आगे क्या करेंगे, ये था
एक्स का पावर 3 और जो रिएक्ट था। अब बताओ ये कौन सा एडिटी आइडेंटिटी जैसा लग रहा है, तादाद में, एडिटी का मतलब होता है तादाद, यानी कौन सा फॉर्मूला जैसा लग रहा है। तो ये लग रहा है हमको इसके जैसा, ये लग रहा है ए क्यू प्लस बी क्यू जैसा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, लग रहा है ना। अब बोलेंगे सर कैसे लग रहा है, देखो ये तो एक्स का पावर 3, एक्स का पावर 3 आई गया, पे प्लस एक है, तो एक को आप ऐसे लिखो तो एक ही बात है ना। अरे एक को कितना भी लिखेंगे तो वही ना होगा, एक को करोड़ बार, अरब बार, पचास, साठ, सत्तर, अस्सी, वाट एवर कुछ भी लिखेंगे, एक को तीन बार लिखेंगे तो एक ही नहीं हुआ, इस हिसाब से लिख सकते हैं। अब देखो अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है ए क्यू प्लस बी क्यू है ना। तो यहाँ पे मैं अच्छा से लिख देता हूँ इसको, यहाँ पे अच्छा से लिख देता हूँ इसको, से लिख सकते हैं ना, ठीक है। अब बताओ इसके ए का पावर 3, तो यहाँ पे देखो एक्स का पावर 3 जोर, तो यहाँ भी जोर, पी का पावर 3 तो ए का पावर 3 यही है। अब यहाँ पे देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी और इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस पी स्क्वायर, ये होता है। इस पर सेटिंग करो, इसको सेटिंग करो, यहाँ इसको सिकल उतार दो, यहाँ पे ए है बी है तो यहाँ भी ना एक्स और एक है, तो यहाँ पे ए बी है तो यहाँ पे ए बी है, तो यहाँ पे एक्स एक है तो एक्स एक नहीं होगा, चुपचाप सेटिंग कर लो, सेट किए बेसिक वाला चीज है, इसको उतार देंगे हुआ ना ए स्क्वायर, तो यहाँ पे ए है तो ए स्क्वायर, यहाँ पे मतलब मेरे कहने का मतलब है ए है तो यहाँ पे एक्स है, बी है तो यहाँ पे एक है, सेटिंग करेंगे ए बी बात एक जगह पर, यहाँ पे ए है और बी के जगह पे बी है, तब ना ए बी हुआ, यहाँ पे एक जगह पे एक्स है तो एक्स हुआ, तो दोनों के बीच में कुछ नहीं तो गुना है तो गुना हुआ, एक है तो एक हुआ, मतलब कोई तोड़ देना है तो आप कोई बेसिक है, एक दो बार लिखेंगे देखे होगा ना, तो इस हिसाब से आया कि नहीं आया, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ पे गुना है अंडरस्टूड है, ठीक है। जैसे नॉलेज में क्या छुपा रहता है ना, जैसे नॉलेज में क्या छुपा रहता है ना, तो यहाँ पर भी क्या है गुना छुपा हुआ, ठीक है। तो आप ऐसे लिखो या ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, तीनों का मतलब होता है कि गुना है, ठीक है, मल्टीपल है, क्लियर। अच्छा अब यहाँ पे ये देखिए उतार दो ऐसे, पीछे में तो कर लिए ना, अब यहाँ पे इसको ऐसे करके उतार देंगे, ये वाला जो अभी किए हैं ये वाला अभी जो किए हैं ना, ये वाला चीज क्लियर। अब यहाँ पे क्या करेंगे, तो गया अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे मेरा अपने लोग का तो काम हो गया, इसको यहाँ पे ऊपर में से करके मैंने शो कर दिया, फिर ये वाला था इसको मैंने नीचे में परफेक्ट ऐसा टाइप का कर दिया, ठीक है। अच्छा अब अपने लोग का निकालना एल सी एम, तो अब देखो मैं अभी कुछ देर पहले रूल बताया था, ठीक है, अभी मैंने कुछ देर पहले रूल बताया था, तो इसको वापस यहाँ पे लाओ, देखो रूल बताया था, क्या बताया था, एल सी एम जो मिलेगा, जो मिलेगा उसे लिखेंगे। अब इसको छोड़ दो अभी, ठीक है, इसको यहाँ पे इसको छोड़ दो, इतना ही पार पढ़ो, इतना ही पार पढ़ो, ठीक है, इतना ही पार पढ़ो, क्या है जो मिलेगा उसे लिखेंगे, ठीक है। तो ठीक है लिखो, जो मिलेगा उसे लिखेंगे, क्या मिला, ये दो मिला, आपको इसे घसना नहीं है, ऐसे करके आपको इसे करके नहीं देना, ठीक है, आपको डायरेक्ट आंसर लिखना है, दो दो दो, ठीक है। फिर क्या मिला, दो मिला, दो मिला, तो यहाँ पे क्या देंगे, गुना देके दो देंगे, ठीक है। फिर क्या मिला, ये देखिए ये मिला इसमें, ये इसमें मिला, ये इसमें मिला, ठीक है, तो ये भी यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। और क्या नहीं मिला, क्या नहीं मिला, ये दो इसमें इसमें नहीं है, तो देखो आगे क्या था, आगे क्या था, जो मिलेगा उसे लिखेंगे, जो और क्या था यहाँ पे, जो नहीं मिलेगा उसे भी लिखेंगे, यानी कि जो मिलेगा उसे लिखेंगे, जो नहीं मिला उसे भी लिखेंगे। कौन कौन नहीं मिला, दो इसमें है और इसमें नहीं है, इसमें है इसमें नहीं ना है, तो उसको भी लिख देंगे, ठीक है। फिर एक्स इसमें इसमें नहीं है, तो उसको भी लिख देंगे, फिर सात, तो उसको भी लिख देंगे, फिर ये वाला इसको भी लिख देंगे, ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत। अब यहाँ पर देखो सबको सब गुना, सबको गुना कर दो, दो गुना चार, दो ना आठ, और सत्तर छप्पन एक्स, छप्पन छप्पन एक्स, ठीक है, इसको ऐसे करके उतार दो,
गुना है, हमने क्या बोला हम ऐसे देंगे या नहीं देंगे, मेरा मर्जी ना, यहाँ भी गुना है। ये हो गया। अच्छा अब यहाँ पे क्या देंगे, अब यहाँ पे क्या देंगे बराबर, अब देखो 56x 56x। अब देखो यहाँ पे इसको ऐसे करके कर सकते हैं ना, 56x हो गया। अब देखो अब इस दोनों का गुना कर सकते हो, ये मतलब बचपन से लोग पढ़ते नहीं आ रहे हैं, इसको निकाल देंगे इसको कोष्ट में, इसको निकाल देंगे इसको कोष्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे एक्स को एक्स स्क्वायर से करो तो एक्स का पावर 3 प्लस प्लस माइनस, इसको इससे किए तो एक्स स्क्वायर प्लस 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 एक्स हो गया, प्लस 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 एक्स का पावर 2 प्लस प्लस माइनस एक्स प्लस 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 प्लस। आप एक बात बताओ, ये कुछ ज़्यादा ही लेंदी नहीं हो गया? अपने लोग क्या करें, डायरेक्ट शॉर्टकट मार देंगे, फार्मूला मार देंगे डायरेक्ट। अपने लोग क्यों मार देंगे फार्मूला, देखिए कुछ देर पहले तो अपने लोग किया था ना, कुछ देर पहले अपने लोग किया था ना, क्या किया था कुछ देर अपने कुछ देर अपने लोग पहले किया था ना कुछ। तो देखो ये जो है, ये जो है डायरेक्ट इसको उल्टा वाला कर दो, ठीक है। ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला मैंने लगाया था, तो इसका उल्टा क्या होगा, ए प्लस बी है, ठीक है, वाई इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये होगा ना। तो उसको ऐसे करके जगह नहीं है तो अब ऐसे करके क्वेश्चन बंद कर देंगे, ये वाला हो गया। अच्छा मतलब देखो ए प्लस बी, यहाँ पे देखो ए प्लस बी इंटू इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो इसको इस पर सेटिंग कर देंगे, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यू प्लस बी, इसको ऐसे करके सेटिंग कर देंगे, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। यहाँ पे ए बी, तो आप ए बी बोलेगा इसको कैसे लिखेंगे, तो इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, बी स्क्वायर फर्क नहीं पड़ा, देखिए ए बी तो बी और यहाँ भी क्या चाहिए बी, और फर्क भी नहीं पड़ा, एक्स को एक से तो एक्स ही आ गया। आप इतना ताम झाम नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, डायरेक्ट लिख दो ऐसे करके, ये किसका फॉर्मूला है, ये इसका, फिर यहाँ पे इसको ऐसे करके लिख दो तो एक्स का पावर 3 और ए को तो कितना बार लिखेंगे, देखिए हो गया, तो ये अपने लगा हो गया आंसर, खत्म फिनिश। आप इसको इसको जो है अब एक दो लाइन स्किप भी कर सकते हो, वो दो लाइन कैसे स्किप कर सकते हो, यहाँ तक तो समझ गए ना आप, इसको रफ कॉपी में भी मैंने अभी किया था कुछ देर पहले, तो उस लेंथी हो जाता था। आप चाहो तो ये दो लाइन स्किप भी कर सकते हो, ये दो लाइन, ये बोला लाइन को क्या कर सकते हो आप, दो दो नहीं, दो इन गलती है इसलिए नहीं काट दे, सही है लाइन, ठीक है। मैं आपको समझाना ये चाह रहा हूँ, आप इस पर से डायरेक्ट ये भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये दो लाइन क्या कर सकते हो, ये दो लाइन आप दो लाइन को स्किप भी कर सकते हो ऐसे करके, ठीक है, इसको स्किप भी कर सकते हो, डायरेक्ट ये पर से ये उतार सकते हो, यानी कि ये लाइन लिख के डायरेक्ट ये लाइन पचास बना चाहते हो दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका अपना मर्जी, ये आपका अपना मर्जी है, दो या नहीं तो आपका अपना मर्जी, फिनिश। तो आपको अच्छा लगा होगा आई होप, और कहीं भी आपको अगर समझने में दिक्कत होगा तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और साथ ही बता सकते हैं कि आप कहाँ नहीं समझे, तो मैं पूरा कोशिश करूँगा रिप्लाई करने का। और किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हो, मैथमेटिक्स का किस टॉपिक पर चाहते हो, कौन सा क्वेश्चन का आप आंसर चाहते हो, तो वो भी आप हमें कमेंट कर सकते हो, मैं बता दूंगा। और हालांकि मैं हर एक क्लास में बोलता हूँ, हर एक वीडियो में बोलता हूँ कि 500 सब्सक्राइबर हो जाएगा तो मैं 11th 12th का भी लेके आऊँगा, तो आप लोगों को करना क्या है, 500 सब्सक्राइबर जल्द से जल्द पूरा करना है, और हमें बताना है, मार्गदर्शन करना है, मोटिवेट करना है मुझे भी, ठीक है। जैसे आप लोगों को मैं करता हूँ ना, अच्छा से बताता हूँ ना, तो आप लोगों को भी हमें गाइडेंस करना है कि सर आप यहाँ पे अच्छा से नहीं बता पा रहे हो, यानी यहाँ आप मतलब अच्छा से नहीं क्लियर कर पा रहे हो, तो आप मैं अच्छा से मतलब अच्छा से क्लियर करूँगा, ठीक है। तो मिलते हैं जल्दी कुछ नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए थैंक्स, और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दूसरे को भी लिंक भेज दीजिएगा और बोलिएगा शेयर कर देने के लिए, थैंक यू।